अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए डिटॉक्स वाटर, तो मुझे ख्याल आया कि जी थोड़ा सा जो है वो आपके साथ भी शेयर किया जाए, आपको भी बताया जाए कि डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है। बहुत थोड़ी सी चीज़ें मैं लूँगी, बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम नहीं करना हमने। जो चीज़ें घर में मौजूद है उसी से बनाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेना है आपने कुकम्बर, इसे काट लेना है अपनी मर्जी के हिसाब से, जैसे मर्जी काटे, स्लाइस काट ले, लंबा काट ले, छोटा काट ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये देखिए मैं आपको काट के इसलिए दिखा रही हूँ कि जैसे भी कटा है आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, कोकम्बर के साथ मैंने ले लिए हैं थोड़े से पुदीने के पत्ते, ठीक है, और साथ ही मेरे पास यहाँ पर मौजूद है अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डालनी है। जग मैंने ले लिया है ये देखिए पानी का, ठीक है। इसे ये थोड़ा इतना मैंने फिल किया क्योंकि मैंने थोड़ा पानी रख दिया गर्म होने के लिए। तो जब भी डिटॉक्स वाटर या दिन में जब भी आप पानी पिए, लोम वार्म वाटर पानी पिए, मुझे भी ठंडा पानी पीने जो की कि सेहत सेहत के के लिए लिए अच्छा नहीं होता है, तो जो फॉलो कर सकता है बहुत अच्छी बात है। हम इतने लेजी हैं कि हमें चीज़ों का पता होता है हम हमें फॉलो चीजों का नहीं पता करते, होता होता है पर हम फॉलो नहीं करते, ये हमारी बहुत बड़ी सुस्ती होती है। चलिए अब ऐसा करते हैं कि ये जो पत्ते हैं पुदीने के, ये देखिए मैंने पानी में डाल दिए। कोकम्बर भी उठाएंगे हम, ठीक है, कोकम्बर भी हम डाल देंगे पानी में। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, आप अपनी मर्जी से देखिए, इतना ही ना फिर जितना मैंने डाल दिया है, लेकिन क्योंकि कट गया है तो मैं इसको भी डाल देती हूँ, ठीक है, डाल दें, ठीक है। बाद में ये सब आप खा भी सकते हैं, 4-5 घंटे में अगर आपका पानी ख़त्म हो जाता है तो आप इसको फिल कर सकते हैं पानी को, रात को सोने से पहले आप इसको खा भी सकते हैं, फेंकते हैं तो आप फेंक सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए सिर्फ इतनी सी हमने अजवाइन डालनी है और छोटा सा टुकड़ा अदरक का, बस। अगर अदरक नहीं है, आप नहीं डालना चाहते, आप छोड़ सकते हैं, तो फिर आप इतनी सी अजवाइन जो है वो और डाल देंगे, इतनी। मैं अदरक डाल दी इसलिए मैंने अजवाइन थोड़ी सी डाली है, ठीक हो गया। ये पानी मेरा गर्म हो जाए, पानी मैं इस जग में डाल दूंगी और ये हमारा डिटॉक्स वाटर रेडी हो जाएगा। ये देखिए मेरा पानी गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं हुआ है, ठीक है, और ये मैंने डाल देना जग में, ये देखें ठीक हो गया। और ये अब जो है वो लूम वार्म वाटर मेरा बन गया होगा क्योंकि मेरा पानी रूम टेम्परेचर पे था। अगर कोल्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और वाटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, अगर ज़्यादा कोल्ड हो तो आप पानी अपना ज़रा गर्म कर सकते हैं, ठीक है। अदरक का टुकड़ा काट कर मैंने डाल दिया है छोटा सा, ये देखिए बस मिक्स करना है, 2 घंटे छोड़ दें आप इसको। वैसे लोग कहते हैं कि ओवरनाइट छोड़ दें और सुबह सारा दिन आप पिए, पर मैं तो आपको कहूँगी कि 2 घंटे छोड़ें और सुबह के टाइम अर्ली बना दें और सारा दिन पिए और रात को पिए, सारा कुछ भी खा जाए, क्योंकि जब ये रात का पड़ा होता है तो अगले दिन अक्सर दिल नहीं करता पानी पीने का। मैं अपना बता रही हूँ, दिल नहीं करता पानी पीने का, तो क्योंकि वो अक्सर जो है ना ये चीज़ें इतनी फ्रेश नहीं होती जैसे पाकिस्तान में गर्मियों में अगर आप यूज़ कर रहे हैं। तो मैं तो सुबह बनाती हूँ, सारा दिन पी लिया, रात को खा लिया। ये हो गई जी हमारी वीडियो डिटॉक्स वाटर की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा अच्छा पानी बनाएं खाएं। ये सिर्फ स्लिम करने के लिए नहीं है, ये आपका डिटॉक्स भी करेगा बॉडी को, यानी जो गैर ज़रूरी है वो अंदर होती हैं, चर्बी कह लें, ठीक है, यूँ समझ लें कि जैसे जंग सा अंदर लगा होता है, हम अच्छा फील नहीं करते कभी कभी। तो ये पानी अगर आप 1 हफ्ता भी पी लेते हैं ना, इस तरह का कोई भी डिटॉक्स वाटर, तो आपको वो बहुत अच्छा फ्रेश फील कराता है। और मैं आपको एक इजी तरीका बताऊं कि डिटॉक्स वाटर आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही कम्बिनेशन डालना है। बस अदरक जो है अगर आप डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, तो अगर आपको बीपी इशू है तो फिर अपने डॉक्टर से पहले देखें, मशवरा करें, अदरवाइज इसको स्किप कर दें। फ्रूट्स डालें, कोकम्बर डालें, मिंट डालें, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती है, इनका कोई इशू नहीं होता, ये आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।